तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फिर किसी भी फोल्डर को हाइड कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में आपका कोई इम्पोर्टेंट फाइल या फिर कोई फोल्डर है और आप उसे किसी और को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप इस सिचुएशन में उस फोल्डर या फिर फाइल को हाइड कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप भी अपने फाइल या फिर फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एसके टेक्निकल में। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से अपने फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से आपको जिस भी फाइल या फिर फोल्डर को हाइड करना है तो आपको उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद ये नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, तो आपको इस प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नई विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आपको एक हिडन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस हिडन वाले बॉक्स पर यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो जो हमारी फाइल है वो यहाँ पे हाइड हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको किसी एक फोल्डर को हाइड करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम उसे अनहाइड करना सीखेंगे। तो आपको जिस भी फोल्डर को हाइड करना है तो आप उस पर आपको एक बार राइट क्लिक करना है, उसके बाद जाना है प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर और यहाँ से आपको हिडन वाले बॉक्स पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है और यहाँ से भी आपको ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आप ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फोल्डर है वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। और फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो अनहाइड करने के लिए आपको ऊपर व्यू वाले टैब पर यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस वाले टैब पर यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको व्यू वाले टैब पर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक है डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर और ड्राइव और एक है शो हिडन फाइल्स फोल्डर और ड्राइव, तो आपको इस सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने इमेज और फोल्डर को हाइड किया था वो यहाँ पे अनहाइड हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये भी कम्प्लीटली अनहाइड नहीं हुआ है, तो कम्प्लीटली अनहाइड करने के लिए आपको फिर से उसी फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद जाना है प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर और यहाँ पे जो हमने हिडन वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करा था, तो अब हमें इस हिडन वाले बॉक्स पर क्लिक करके दोबारा से इसे अनचेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको ओके भी कर देना है और यहाँ से भी आपको ओके कर देना है। और फ्रेंड्स, अब ये जो फोल्डर है वो कम्प्लीटली अनहाइड हो चुका है और आप चाहे तो इसे ओपन करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा साथ बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए मेहमान आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि अगर मैं कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें एसके टेक्निकल के साथ।